हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 24/7 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। और आज हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, विच इज इंटरनल ओम्बड्समैन मैकेनिज्म फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। फटाफट से एक बार शेयर करना स्टार्ट कर फटाफट शेयर करना स्टार्ट करना। आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों को दोस्त परसों की डेट यानी 21 अक्टूबर को क्लोज कर लेना है। 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए अनिल नागर सर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, सिलेक्शन का रेवोल्यूशन असंभव से संभव की राह में। और डेफिनेटली मेरे दोस्त, जब भी अनिल सर आते हैं तो आपके लिए मेरे दोस्त सुपर बेस्ट लेकर आते हैं। लास्ट टाइम की भी हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग लास्ट टाइम भी हम लोग देखें और पिछले दो बार से अनिल सर आपके लिए कुछ ना कुछ नहीं सुपर बेहतर हमेशा लेकर आते हैं, तो उस दिशा में इस बार भी बेहतर ही रहेगा। तो बस याद रखिएगा, इवेंट लग चुका है, इवेंट को जाकर मेरे दोस्त एक बार ओपन करिए और उसको लाइक कर दीजिए, ओके, और नोटिफाई भी कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर ऑन टाइम नोटिफिकेशन आएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, इवेंट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जितने भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, ओके। बाकी ऐसे दोस्त हमारे भाई मित्र जिनको टेस्ट सीरीज में आज एनरोल कराना है, आज टेस्ट सीरीज पे आपका बजट 22% के 23% डिस्काउंट है, और ये आपका टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको बुक्स पर भी देखने को मिलेगा, ओके, प्रिंटेड बुक्स है, ई बुक्स जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं। कोड याद रखना Y168S, एस कोड का इस्तेमाल होता है तीन चीजों के लिए, प्रिंटेड बुक, ई बुक एंड मॉक, जिसको आप टेस्ट सीरीज बोलते हैं। बाकी आपको लाइव क्लास में एडमिशन ले रहा है या किसी भी हमारे वॉरियर प्रो बैच में या फाउंडेशन बैच में, तो उसके लिए आप कोड यूज करेंगे Y168, ओके। अब चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगस्त की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जो सीआईसी है, सीआईसी यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, इन सभी को हम आरबीआई का जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है उसके दायरे में लेकर आएंगे, जिसमें पहले से शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ओके, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, वो जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब आरबीआई के जो इंटीग्रेटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, उसमें ऑलरेडी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ओके, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक आ गए आपके, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी में आपकी कवर है, इवन वो नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक भी कवर है जिनका असेट साइज 50 करोड़ से ज्यादा का है। अब आरबीआई ने अगस्त में डिसाइड किया है कि सीआईसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज है इनको भी इसके दायरे में लेकर आएंगे, ओके, ये एक न्यूज हमारी रही थी। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बनता है वो यहां पर ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि इंटरनल ओम्बड्समैन की बात करी है, कि चलिए इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन तो हमने समझ लिया कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के दायरे में सीआईसी को लेकर आया जा रहा है, लेकिन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए अब एक इंटरनल, ओके, आंतरिक या यू कहें इंटरनल ओम्बड्समैन के अपॉइंटमेंट को लेकर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्शन इश्यू किए गए, या यू कहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को बोला है कि आपको 1 अप्रैल 2023 तक, ओके, 1 अप्रैल 2023 तक इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना है। अब ये इंटरनल ओम्बड्समैन कितना टेनर होगा, क्या सारी चीजें होंगी, वो एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, बट प्रायोरिटी पे अभी हमारे लिए जो समझना है वो ये है कि जो इंटरनल ओम्बड्समैन है सीआईसी के लिए, इनको ये कब तक अपॉइंट करना है एज पर आरबीआई डायरेक्शन। सो इट इज 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023। ये जो डायरेक्शन है ये सभी की सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज पर लागू होता है, जिन जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में डिफाइन जिनको किया गया, उन सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज पर ये लागू होता है। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर 4 सीआईसी हैं, 4 क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन कंपनी है, ओके, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, एक तो होगी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड सिबिल जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा इक्विफिक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ओके, प्राइवेट लिमिटेड, चौथा सीआरआईएफ हाई मार्क
स्प्रेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये करेंटली 4 CIC है इंडिया में और ये सारी कंपनीज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 इसमें दोस्त इसके माध्यम से गवर्न की जाती है। तो बेसिकली अभी तक हमारे समझने के लिए जो चीजें बनती है वो ये है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना है। 1 अप्रैल 2023 तक इनके लिए डेट रखी गई है, या यू कहें मेरे दोस्त 1 अप्रैल 2023 से ये जो डायरेक्शन है लागू होते हैं, या इस डेट तक इनको इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर है? किन सेक्शन, इन सेक्शन, इस एक्ट के इस सेक्शन में डिफाइन की गई है सीआईसी, यहां पर ये इन सीआईसी के ऊपर ये डायरेक्शन लागू होते हैं। हम लोगों ने देख लिया 4 सीआईसी कौन सी है। राइट नाउ अब फोकस करते हैं कि इनसे रिलेटेड फैक्ट क्या है। एवरी सीआईसी, इसको जो हर एक सीआईसी इसको इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना है फिक्स टर्म ऑफ नॉट लेस देन 3 साल। मतलब यार 3 साल से कम का टेनर नहीं होगा, 3 साल से कम का टेनर नहीं होगा और 5 साल से ज्यादा का टेनर नहीं होगा। ओके, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि जो सीआईसी में इंटरनल ओम्बड्समैन होगा, सीआईसी में जो इंटरनल ओम्बड्समैन होगा वो कम से कम 3 साल। ओके, कम से कम 3 साल और अधिकतम मेरे दोस्त अधिकतम 5 साल, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही मेरे भाई? ओके, कम से कम 3 साल और 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, बशर्ते कुछ कंडीशन इनको यहां पर फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो कंडीशन क्या है? जो आईयू है इंटरनल ओम्बड्समैन, ये या तो रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर हो सकता, मतलब या तो ये रिटायर्ड ऑफिसर भी हो सकता है और सर्विंग ऑफिसर भी हो सकता है, बट ये डेप्यूटी जनरल मैनेजर से रैंक का कम का नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी जनरल मैनेजर। ओके, या किसी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी जो बॉडी है उसमें कोई इस पोस्ट पर इक्विवेलेंट है तो उससे नीचे का यहां पर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी या सीआईसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंक। ओके, नेसेसरी स्किल और एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस एटलीस्ट 7 ईयर इन बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस, मतलब बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस या फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन सुपरविजन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कस्टमर प्रोटेक्शन, इन सब में कम से कम एटलीस्ट 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट बन गया कि एक्सपीरियंस यहां पर कितना मांगा है, 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कम से कम 3 साल के लिए अपॉइंट होगा, अधिकतम 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। ओके, हर एक सीआईसी को अपॉइंट करना है यहां पर मैंडेटरी है। जो आईओ है इनको प्रीवियस आईओ शैल प्रीवियसली नॉट हैव बीन एम्प्लॉयड नॉर प्रेजेंटली बाय एम्प्लॉयड बाय सीआईसी और इट्स रिलेटेड पार्टीज, रीड कर सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आईओ शैल नॉट अटेन द एज ऑफ 70 ईयर। ओके, जो आईओ होना चाहिए, जो इंटरनल ओम्बड्समैन होगा, उसकी एज 70 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शैल नॉट अटेन द एज ऑफ 70, ये वाला पॉइंट भी याद रखना। क्लियर है भाई? क्लियर है इतना सभी के? रीड कर सकते हो ऑल। ओके, एक बार जरा कमेंट में लिख के बताइएगा इतना सभी क्लियर है तो एक बार यस लिख देना। ओके, नेक्स्ट यार, आर यू शैल नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक बार टेनर कंप्लीट हो गया तो इनका रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा और इवन एक्सटेंशन भी नहीं होगा इनके टर्म का। आर यू शैल नॉट बी रिमूव्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड टर्म, जो इनका टर्म है जिसने टाइम के लिए इनको अपॉइंट किया गया है उससे पहले उनको हटा नहीं सकते। ओके, विदाउट एक्सप्लिसिट अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक, बिना आरबीआई के अप्रूवल के। जो सीआईसी में अपॉइंट मोर देन वन आईओ डिपेंडिंग अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ कंपनी कंप्लेंट एंटीसिपेटेड, डिपेंड करता है मेरे दोस्त कंप्लेंट कितनी वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। एक से ज्यादा आईओ भी अपॉइंट किए जा सकते हैं सीआईसी के द्वारा। जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होगा, ओके, विद दी ऑफिसेस ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन, जो आरबीआई का ओम्बड्समैन ऑफिसेस में जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होगा नोडल ऑफिस में, ठीक है, या किसी और ऑफिशियल जो सीआईसी के तहत है, ये यहां पर आईओ नहीं अपॉइंट किया जा सकता। क्लियरली ये भी बता दिया है कि कौन आईओ नहीं बन सकता है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है, इतना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कम से कम 3 साल के लिए, अधिकतम 5 साल के लिए, 70 साल से ज्यादा का नहीं होनी चाहिए, 7 साल का एटलीस्ट कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए यहां पर, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, इनके टर्म का एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। ओके, आई होप यार क्लियर होगा। एक से ज्यादा आईओ अपॉइंट किया सकते हैं। इंटरनल ओम्बड्समैन शैल नॉट हैंडल कंप्लेंट रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम कंप्लेनेंट, मतलब अब ये जो एक्स व्यक्ति है डायरेक्ट मेरे दोस्त इंटरनल ओम्बड्समैन के पास नहीं जाएगा, ये पहले सीआईसी के पास जाएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास। ओके, अब उससे यहां पर सेटिस्फाइड नहीं, देन ही कैन अप्रोच टू द आईओ। तो जो इंटरनल ओम्बड्समैन है शैल नॉट हैंडल कंप्लेंट रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम कंप्लेनेंट और मेंबर्स ऑफ पब्लिक और इंस्टेड डील ओनली विद द कंप्लेंट दैट हैव ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड बाय द सीआईसी। ओके, समझ में आ गया? जो ऐसी कंप्लेंट जो एग्जामिन पहले से की गई है सीआईसी के द्वारा और अगर कोई भी कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं है या उस सीआईसी ने उसकी कंप्लेंट
स्टेटमेंट को पार्शियली या होली रिजेक्ट कर दिया, देन फिर वो इंटरनल ओम्बड्समैन से अप्रोच करेगा। लाइक जैसे हम लोग इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन पढ़ा है ना, उसी तरीके से यहां पर ही अप्रोच की बात कर रहा है। ओके, ये कुछ अलग टाइप की कंप्लेंट है जिनको कि यहां पर आईओ के दायरे में नहीं रखा गया है। देखिए, ये आउटसाइड है, परव्यू ऑफ डायरेक्शन शैल नॉट हैंडल्ड बाय द आईओ। तो कंप्लेंट रिलेटेड टू फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट दोज रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी इन सर्विस, ओके, इसको नहीं यहां पर हैंडल करेगा। कंप्लेंट रेफरेंस रिलेटेड टू द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, पे एंड इमेलमेंट ऑफ स्टाफ, रेफरेंस इन नेचर ऑफ सजेशन इन कॉमर्शियल डिसीजन ऑफ सीआईसी, कंप्लेंट विच हैव बीन डिसाइडेड और ऑलरेडी पेंडिंग इन अदर फोरा सच एज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कोर्ट। तो इन अगर कोर्ट में या फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में पहले से कुछ भी पेंडिंग चल रहा है तो उनको डील नहीं करेगा। डिस्प्यूट फॉर विच रेमेडी हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 18 ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 के तहत कहा गया है कि सेक्शन 18 के तहत अगर कोई भी डिस्प्यूट और जिसमें रेमेडी प्रोवाइड कर दी गई है उनको डील नहीं करेगा। तो ये कुछ ऐसी जगह जहां पर आईओ लागू नहीं होगा, इनको भी याद रखना। क्लियर है? तो ये बेसिकली रहा, इससे ज्यादा है ही नहीं मेरे दोस्त। एक पेज का ये वाला सर्कुलर हम लोगों के लिए आया है, बट इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। मैंने इस सेशन को स्टार्ट सिर्फ इसलिए किया है कि इस तरीके के मैं छोटे छोटे टॉपिक आपके कवर करता रहूंगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बैंक एग्जामिनेशन बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास मेरे दोस्त इतना वक्त नहीं होता कि आप सारी चीजों को एक साथ कवर कर पाए। तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ अब डेली यहां पर एक से दो सर्कुलर कवर करते चलेंगे। ओके, इस तरीके की और भी अगर आपको चीजें कवर करनी तो यू कैन ज्वाइन माय वॉरियर प्रो बैच। यहां पर मैं आपको डिटेल में फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एमसीक्यू, ओके, स्टैटिक एंड कैप्सूल बैचेस, ये पांच बैचेस मेरे दोस्त एक सिंगल बैच में यहां पर मैं कवर करता हूं। तो आप आज जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 1496 है, 12 मंथ वैलिडिटी है, स्पेशली फॉर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, CBO, इन सभी अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यार यू मस्ट हैव अ वॉरियर प्रो बैच। ओके, और इवन अगर आपके पास बैंक महापैक है तो और बढ़िया, क्योंकि बैंक महापैक में मेरा वॉरियर प्रो क्या सभी फैकल्टी के सभी बैचेस है। बैंक महापैक उनके लिए जो बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक इंश्योरेंस के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बैंक महापैक प्लस है। ओके, कोड आप सभी में लगा सकते हैं Y168। ओके, कैसा लगा सेशन प्लीज यार एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके यार, आज मैंने चेंज किया था तो इसलिए आपको आई होप कि वॉइस इतनी बेहतर नहीं लग रही है, बट अगर आपको नहीं है तो मैं फिर दूसरा वाला माइक ही यूज कर लिया करूंगा। ओके, तो मेरे को बताइएगा जरूर किस तरीके से आपको कितना बेहतर लगा सेशन और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, वो भी कॉमेंट करके बता सकते।